केस बड़ा सिंपल है जना। मेरे क्लाइंट सुभान सिद्दीकी अपनी वाइफ इबादत अख्तर की गलतियों से तंग आ चुके हैं, उनसे तलाक चाहते हैं, लेकिन इबादत जी इन्हें परेशान करने की मंशा से इस रिश्ते से आजाद नहीं करना चाहती और उन्हें दिन प्रतिदिन टॉर्चर करने के इरादे से नए नए तरीके ढूंढती है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। लेकिन आपकी ऑब्जेक्शन की वजह क्या है इबादत जी? नहीं मतलब कोर्ट को बताएंगे कि आप अपने शौहर को तलाक क्यों नहीं देना चाहती? योर ऑनर वजह है और बहुत बड़ी वजह है। वकील साहब ने ये कहा कि मैं अपने हस्बैंड को इसलिए डिवोर्स नहीं देना चाहती क्योंकि मेरी नीयत उन्हें परेशान करने की है, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं अपने शौहर के साथ इसलिए रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती क्योंकि मैं इनसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। वरना गलत तो मेरे साथ हुआ है, धोखा तो मेरे साथ हुआ है, मुझे तो एक ही पल में इनसे अलग हो जाना चाहिए। पर मैं इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ योर ऑनर, क्योंकि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो घर तोड़ने में यकीन रखती है, उनमें से हूँ जो घर जोड़ने में यकीन रखती है। क्या बात है इबादत जी, वेरी गुड, इनसे सबको सीखना चाहिए। अगर भारत की हर बेटी की सोच आपके जैसी हो जाए ना इबादत जी, तो कोई घर कभी टूटे ही नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, समस्या थोड़ी अलग है। क्या है कि आप अपने शौहर के साथ रहना चाहती हैं, उन्हें तलाक नहीं देना चाहती हैं, पर वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, आपको तलाक देना चाहते हैं। योर ऑनर, अगर ये मेरे शौहर की अपनी राय है कि वो मुझसे अलग होना चाहते हैं, तो मैं अभी के अभी उनसे अलग हो जाऊंगी। पर अफसोस योर ऑनर, बात ऐसी नहीं है। मेरे शौहर को बहकाया गया है, वो झूठ को बुनियाद बनाकर ये फैसला ले रहे हैं, इसलिए मुझे उनसे अलग होना मंजूर नहीं है। क्योंकि योर ऑनर, मैं जानती हूँ कि मैं जितनी मोहब्बत करती हूँ अपने शौहर से, उससे कई ज्यादा ये मुझे चाहते हैं। मगर कुछ लोगों ने मेरे शौहर को मेरे खिलाफ इस तरह भड़काया है कि वो सही फैसला नहीं ले पा रहे। ये झूठ है ऑनर। सुभान जी, मैंने कहा ना आपसे, जो कुछ भी कहना है यहाँ विटनेस बॉक्स में आगे कहिए। मुझे किसी ने नहीं भड़काया है, मैं इस लड़की से मोहब्बत करता ही नहीं। अच्छा, अगर यही बात है तो जब मैं डिवोर्स पेपर्स लेकर आई थी तो तुमने पहले साइन क्यों नहीं किया था? क्योंकि मैं अपने ऊपर इल्जाम नहीं लेना चाहता था इबादत। यही बात अपने दिल पे हाथ रख के कहो, अपने जमीर की कसम खाकर कहो कि यही वजह थी जो तुम्हें तलाकनामे पर साइन करने से रोक रही थी। हाँ, मेरा दिल गवारा नहीं था। तुम्हारा दिल क्यों गवारा नहीं था? क्योंकि क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो।